छतरपुर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का जल सत्याग्रह। नौगांव आज विद्या की देवी मां सरस्वती के जन्मदिन बसंत पंचमी पर अपने घरों से पूजा अर्चना करके अपनी मांगों को लेकर शासन तक जल सत्याग्रह के माध्यम से भेजने का प्रयास करने के लिए निकले हैं। वर्ष 2018 के चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए आज मऊ सहानिया के तालाब में अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि किसी तरह से उनकी बात सरकार तक पहुँचे। ये हाल मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती 2018 का, जिसमें 30,000 शिक्षक की भर्ती करनी थी और सरकार ने केवल अभी 12,000 शिक्षक नियुक्त किए, वो भी मनमाने तरीके से। जो वेटिंग में नहीं थे उनको वेटिंग के नाम पर अटका रखा है। ये वही चयनित शिक्षक है जो आज दर दर भटक रहे हैं, लेकिन भाजपा के कोई भी नेता मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अधिकारी भी उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार सोहराब मंसूरी की रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान जी पुनः जो है मुख्यमंत्री बने और हम लोग जो है अपनी ज्वाइनिंग के लिए निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। 30,574 में से मात्र 12,043 पदों पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है ज्वाइनिंग दी गई है और बाकी लोग आज भी जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शासन प्रशासन से बहुत प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, पूर्ण तरह से हम टूट चुके हैं, क्योंकि 2018 की भर्ती शिक्षक भर्ती में बड़ी अनियमितता हुई। ना तो मेरी विभाग सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है, डिपार्टमेंट भी वहाँ गोलमाल कर रहा है और शासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 30,000 पदों की भर्ती थी, उसमें से मात्र अभी 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई है और उसके अलावा हमारी अभी DPI में 8,644 पद बाकी है। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।